सिसोदिया कैसेट की नई पेशकश। हाँ जी प्रेमियों, सिसोदिया इलेक्ट्रॉनिक्स के सौजन्य से मैं आपके सामने एक बहुत ही देशभक्ति की गंभीर कहानी लेकर पेश हो रहा हूँ। कहानी इस प्रकार है कि हमारी भारत माता हमेशा से ऐसे वीरों को जन्म देती आई है जो अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर गए। राजस्थान के जिले अलवर में एक माधोगढ़ ग्राम है, जिसमें एक राजपूत रहीस घराने में एक देशभक्त पैदा हुए, जिनका नाम था विजयवीर। विजयवीर के केवल एक बहन है जिसका नाम है कमला, जो बड़ी है। विजयवीर के पिता बलबीर सिंह अपने बच्चों को छोटे ही छोड़कर सन 1965 की लड़ाई में देश पर शहीद हो गए थे। प्रेमियों, देशभक्ति, देश प्रेम के कारण विजयवीर भी फौज में भर्ती हो जाता है। पंजाब के झगड़े में विजयवीर की पलटन अमृतसर आई हुई थी। उधर उसके भांजे की शादी थी। विजयवीर की बहन विधवा थी, उसके केवल एक लड़का था। प्रेमियों, विजयवीर अपनी माँ और बहन के पास खत डाल देता है कि मैं एक महीने के लिए छुट्टी आ जाऊंगा। उधर से बहन खत डाल देती है कि भाई, मैं भी बात में उतने तभी आऊंगी जब आप छुट्टी आओगे। तो प्रेमियों, होनहार बलवान होती है। छुट्टी जाने से एक दिन पहले विजयवीर 25 आतंकवादियों को मारकर देश पर शहीद हो जाता है। तो दोस्तों, अंत समय में अपने साथी श्याम सिंह से क्या कहता है? जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। यार अंत समय में परदेशी मेरा इतना कहन पुगइए, अरे मेरी लाश ने ले जाके मेरी माता तक पहुँचाइए, मेरी लाश ने ले जाके मेरी माता तक पहुँचाइए। खोज भी पाया रे, इकला था मैं माँ अपनी के और नहीं कोई जाया रे। बड़े शोक से पाला था मैं सोता नहीं जगाया रे, बिगड़ी ने बिगाड़े कुदरत क्या कानून बनाया रे। हे ध्यान करी कुर्बान देश पे जामा को बतलाइए, मेरी लाश ने ले जाके मेरी माता तक पहुँचाइए। कहने लगे दूसरी कली में, हाँ मेरे छुट्टी जाने की माँ बाट देख रही होगी, रूठ गया भगवान आज मेरी किस्मत पढ़ के सोगी। पहले दाग मिटे नहीं दुख के, फिर बनी दुख
भोगी पेट फाड़ के जाया जिसने सुनते ही झगड़े झोगी। ममता की मारी मर जा मा जाके भीर बंधाइए मेरी लाश में ले जाके मेरी माता तक पहुंचाइए। बहन मेरी माँ जाई पटड़े पे नहीं पैर धरेगी वा दुखिया बिन भाई ओट पारसी हो भैया की जो ईश्वर ने ढाई भैया वाली आग बुरी वा कैसे करे समाई। कहने लगा न्यू कह दीजिए हाँ समझ भतीजे को भाई न्यू दुखिया को समझाइए मेरी लाश ने ले जाके मेरी माता तक पहुंचाइए। कहन लगा कि मेरी घरवाली से न्यू कह दीजिए हाँ डोर टूट की प्रेम पतंग की ब्याही रोवे पकड़ के पेट बता दिए तेरा पति गया सो भारत माँ की गोद में लेट। न्यू कहिए कर सबर पूत पे पहले केड़ा करके ढेट तेज पाल गए धर्म पुरी में कर गुरुद्वारे का बंद गेट। हे विजय पाल सिंह छंद धरे गुरु ज्ञान की जोत जड़ाइए मेरी लाश ने ले जाके मेरी माता तक पहुंचाइए। अंत समय में परदेसी मेरा इतना कैन पुगाइए मेरी लाश ने ले जाके मेरी माता तक पहुंचाइए। आज प्रेमियों जिस रात को विजयवीर शहीद हुआ था उसी रात को उसकी धर्मपत्नी फूलवती सपना देखती है और सुबह अपनी सासू को सपने का हाल किस प्रकार बताती है। क्या लिखा है कवि ने और मैं माँ मेरी सुपने न घेरी हो गे सोन कुसोन से तीर तवाई का छुट गया कोई माता रात कमान से तीर तवाई का छुट गया कोई माता रात कमान से मैं माँ मेरी सुपने न घेरी हो गे सोन कुसोन से। Thank you.
माता मेरी जल दी लहकावे। क्या कुदरत की माया है जन रोना सा मुझको आवे, हो रोना सा मुझको आवे, जी घबरावे याद सतावे, पति जी हटे ना ध्यान से, तीर तवाई का छुट गया कोई माता रात कमान से, तीर तवाई का छुट गया कोई माता रात कमान से, मैं माँ मेरी सुपने नगेरी हो गए सोन कुसोन से। बताने लगी सिर पे मोड़ धरया बालम के कंगना बंधे रहा हाथ में, घोड़ी सजली पे बैठा और बरना बनिया बरात में, हो बरना बनिया बरात में, राज बात में चिंता गात में हो रही चिता समान से, तीर तवाई का छुट गया कोई माता रात कमान से, तीर तवाई का छुट गया कोई माता रात कमान से, मैं माँ मेरी सुपने नगेरी हो गए सोन कुसोन से। सपने में गया टूटे नगीना गुठी ते हो गया न्यारा, हो गुठी से हो गया न्यारा, भाग्या जा रहा माँ एक तारा टूट गया ऐसे मान से, तवाई का छुट गया कोई माता रात कमान से, तीर तवाई का छुट गया कोई माता रात कमान से, मैं माँ मेरी सुपने नगेरी हो गए सोन कुसोन से। कहने लगी हे चमकीली सा दी सुपने में, पिहार से माँ में ल्याई, चांदी की चूड़ी माता मने हाथों के में पहनाई,
हो हाथों के मैं पहनाई कविताई करे विजय पाल गुरु तेज पाल के ज्ञान से तीर दवाई का छुट गया कोई माता रात कमान से तीर दवाई का छुट गया कोई माता रात कमान से मैं माँ मेरी सुपने न घेरी हो गे सोने कुसोने से। तो प्रेमियों उसकी सासू समझान लगी कि बेटी अरे ना सब सपने सच्चे होते और तज दे सपने का ख्याल कोई सपने में राज करे कोई तो हो जावे कंगा। तो प्रेमियों दो घंटे बाद विजयवीर की लाश ग्राम में आ जाती है तो उसकी माँ और बहू किस प्रकार विलाप करती हैं इस रागनी में पेश है। दारा दे देखे नरे नारे गावे के हो रो रो के बहावे नीर रे सर दे दे मारे हो मां दुखिया ब्याही वीर रे सर दे दे मारे हो मां दुखिया ब्याही रोने लगी विजयवीर की माता और कहने लगी अरे फौजी बेटा तेरे आने की हो देखे थी बाटे रोजे में अरे के बेरा था मुझे दुखिया का छिपे जागा चांद फौजे में दे दे मारे हो मां दुखिया ब्याही वीर। अरे फूले तोड़े लिया मेरी रे गोदे का अबे के मेरी गोदे खिलेगी अरे माँ के आगे बेटा मर जा ना से चोट झिलेगी मीठी के
तस्वीर रे सर दे दे मारे ओ मां दुखिया ब्याही बीर विजयवीर की घरवाली फूलवती रोने लगी और कहने लगी कहने पियाजी ओ खड़ी रोवे ब्याही तेरी हाँ सुनी बनी रे हुया करती है जिसे मैं ना होता केरी मौत लगी दौलत लुटगी मेरी आज फूट गई तकदीर रे सर दे दे मारे ओ मां दुखिया ब्याही बीर दूरे मांगे का ओ लगे पति प्यारे के परे दे तेज पाले आ विजय रे पाले की ओ तू विजय रे सभा में करे दे तवारे भिकारी रस में भर दे हो ये सामाजिक तहरी रे सर दे दे मारे ओ मां दुखिया ब्याही वीर। तो प्रेमियों रीति के अनुसार विजयवीर की लाश की अर्थी बना ली जाती है और गांव के लोग उसे शमशान के लिए जब लेकर चलते हैं तो विजयवीर की धर्मपत्नी किस प्रकार रोने लगी। अरे विजय वीर की शमशानों को घर से अर्थी ठाई चक्कर खागिरी फूलेवती और गैया सी डकराई विजय वीर की शमशानों को घर से अर्थी ठाई कफन ओढ़ मुख मोड़ बता तू कहां मेरे भर तार चलिया मन के मंदिर की मूरत मेरे तार आज सिंगार चलिया कहने लगी अरे फेरों के गुनहगार चलिया तू किस पे छोटी ब्याही विजय वीर की शमशानों को घर से अर्थी ठाई
जल्या मेरी नैया। अरे मुझ दुखिया को दुनिया में ना दुख की मिले दवाई, विजय वीर की शमशानों को घर से अर्थी ठाई। सितारा चला गया कर मेरी किस्मत के कोले, जीवन भर को मुझ दुखिया पे छोड़े गम के गोले। हे कैसे ओले गेरे दिए गुलशन की आप मिटाई, विजय वीर की शमशानों को घर से अर्थी ठाई। और कहने लगी हाँ चारा से तू मने जा अब कद छुट्टी आवेगा, तेरे बिन दुनिया में पिया बता इब कौन लाड लड़ावेगा। अरे विजय पाल गावेगा सभा में रोष भरी कवताई, समस्यानों को घर से अर्थी ठाई। चक्कर खागिरी फूले वती और गैया सी डकराई, विजय वीर की समस्यानों को घर से अर्थी ठाई। तो प्यारे भाइयों, विजय वीर की माता या विजय वीर की अर्थी को लोग बाग लेके चल देते हैं तो किस प्रकार रोती है, क्या लिखा है कवि ने। तारे तने किस पे छोड़े बेटा हमें दुखियाए, ओ तने किस पे छोड़े बेटा हमें दुखियाए। छड़े गया जोड़ा मेरी यानी बहू का, आज मुकादार फोड़ा वर्दी पहरण वाले कफन क्यों ओढ़ा, मेरे शेर बता क्यों माँ से मुखेड़ा मोड़ा। ओ छोटे भवारे में रह गए दूर किनारे, तने किस पे छोड़े बेटा हमें दुखिया रे।
कोई छोरा मुझे जीवन भर को दे दिया दुख का दौरा कैसा करा मैं लिखा मेरा कागज छोड़ा कोरा आज फूलवाड़ी ने चलिया रे छोड़ के भोरा बारे की उजड़े गई आज दुनिया दिल अंदर की सदा नुगरे चेले ठोकर खादर दर की शरण गुरु द्वारे रे तने किस पे छोड़े बेटा हमें दुखिया प्रेमियों शमशानों के लिए जब विजय वीर की अर्थी जा रही थी तो उधर से रास्ते में विजय वीर की बहन जिसको पहले ही टाइम दिया हुआ था भात नौतने के लिए आ जाती है और जब गांव के किनारे आके बैठती है तो उधर से भाई की अर्थी निकलती है। अर्थी जिस टाइम गांव से बाहर रखी जाती है तो वह अपने भाई के पास पहुंचती है। उसे मालूम होता है कि तो तेरा भाई मर लिया तो किस प्रकार विलाप कर रही है। कवि ने क्या लिखा है, अरे माँ जाए तू कित जा रहा से अरे कफन ओढ़ के अरे फौजी भैया चला बहन को किस पे छोड़ के किस पे छोड़ के माँ
जाए तू कित जारा से रे कपन भैया चला बहन को किस पे छोड़ के तू बोली किस पे छोड़ के चावे अरथी पे गिरी दुखियारी भाई बहना के प्यार की होती है दुनिया न्यारी बिन भाइयों की छोरी हो लोगों किस्मत की मारी जिसका मारे इकला भाई तूफान तवाई भारी नर होवे या नारी चखे ना कर्म फोड़ के फौजी भैया चलिया बहन को किस पे छोड़ के न्यू बोली किस पे छोड़ के जब वर्दी पैर चले था जब वर्दी पैर चले था खड़ी होके मैं वीर लखाती हुआ मेरे लिए अंधेरा बुझेगी दीवे की बाती पी हर के हो रूखे पराए बिन माँ के जाए बाती बने आज गीत वे गम के जिन्हें पटड़े पे चढ़ गाती कहने लगी मेरा हिमाती जारा जग से रे नाता तोड़ के फौजी भैया चलिया बहन को किस पे छोड़ के न्यू बोली किस पे छोड़ के हाँ सोचे थी आया होगा सोचे थी आया होगा मेरा फौजी भाई प्यारा के बेरा था आज भाई होवेगा बहन से न्यारा ना डटता दिल डाटे से आज टूटा दिल का तारा दुखिया में सासरे की थी हर में तू ही था सहारा आ किस्मत करे किनारा अड़े जब आगे दौड़ के फौजी भैया चलिया बहन को किस पे छोड़ के न्यू बोली किस पे छोड़ के मैं
आई भात न्योतने, मैं आई भात न्योतने, पटड़े पे चढ़ने वाले विजय वीर बहन से उठते दो बात और बतला ले। जीवन भर दाग जाए ना खुले दुख के गावे कुड़ाले, गुरु तेज पाल इस दुख से अच्छा भगवान उठा ले। पाले ज्ञान गुरु से विजय तू हाथ जोड़ के, फौजी भैया चलिया बहन को किस पे छोड़ के, किस पे छोड़ के ना जाए तू कित जा रहा से रे कफन ओढ़ के, फौजी भैया चलिया बहन को किस पे छोड़ के, न्यू बोली किस पे छोड़ के। हाँ जी प्रेमियों, विजय वीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। समय बीतने लगता है, कई महीने बीत जाते हैं। तो विजयवीर का एक चाचा का लड़का था योगेंद्र, जो फूलवती को गलत नजरों से देखने लगा। बुरे समय में ऐसा अक्सर होता भी है। फूलवती से कहने लगा कि जैसे मैं तुझसे कहूं अगर तू मेरी बात मान जाए तो तुझको कोई परेशानी नहीं होगी। आप समझ गए होंगे कि वो क्या कहना चाहता था। लेकिन फूलवती एक अच्छे खानदान की लड़की थी। फूलवती योगेंद्र से मना कर देती है कि मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकती और कभी सपने में भी मत सोचना। तो उसे धौंस देता है कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तुझे पछताना पड़ेगा। उसको लालच था उसकी जायदाद का कि अगर फूलवती तेरे घर में आ जाए तो ये सब जायदाद तेरी हो जाएगी। तो एक दिन मौका पाकर योगेंद्र फूलवती का लड़का था जिसका नाम था कौशिक, विजयवीर के बाद वो ही उनके खानदान का दिया था, कौशिक को गोली मार देता है। तो फूलवती रोने लगती है और क्या होता है, हाय जर जोरू भूमि पे मरती आई दुनियादारी, लालच के बस दुष्टों ने कौशिक पे गोली मारी, लालच के बस दुष्टों ने कौशिक पे गोली मारी, जर जोरू भूमि आई दुनियादारी, लालच के बस दुष्टों ने कौशिक के गोली मारी। भरी लाश की कोड़ी लुटी लुटाई लूट लई मैं आज फिर दिन धौड़ी, पति मरिया आज मरिया पूत भी मेरी किस्मत होगी ओड़ी, बेटे मारन वाले मारते माँ के पहले गोली। अरे भोली माता पड़ी लाश पे सावन सा बरसारी, लालच के बस दुष्टों ने कौशिक के गोली मारी।
क्या होता है, कवि ने क्या लिखा है। अरे ठाकोदी में लाश चली माँ घर को रोती रोती, बन गया हार मौत का लोगो माँ के मन का मोती। औलाद के प्रति माँ के मन में रे ममता नारी होती। सूखे पैसन तान सोए आले में माता सोती। अरे बीज कहर के बोती जावे रस्ते में दुखियारी, लालच के बस दुष्टों ने कोसी के गोली मारी। पापियों ने मेरे ससुर का बिल्कुल वंश मिटाया, दुश्मन बनया जमाना मुझको दुख दरिया में बहाया। खाली गोदी करी मेरी मन इब तक गोद खिलाया। कहने लगी मेरा चांद छिपाया से न्यू रो रो रुदन मचारी, लालच के बस दुष्टों ने कोसी के गोली मारी। हरी जवानी यही सहारा था जग में अब के रहेगी जिंदगानी। मेरी नैया डूबे गई आज दुनिया में बिन पानी, गुरु तेज पाल के ज्ञान बिना तू विजय पाल अज्ञानी। दर्द से भरी कहानी सुन लो भारत के नर नारी, लालच के बस दुष्टों ने कोसी के गोली मारी। जर्जर भूमि पे मरती आई दुनियादारी, लालच के बस दुष्टों ने कोसी के गोली मारी। अरे फूलवती ने सोच लिया और तेरा उजड़ गया संसार, पति रहा ना पूत रहा अब तो जीना मिट्टी खार। तो प्यारे भाइयों, फूलवती अपने बेटे कौशिक की अर्थी बना के रोती रोती चल देती है शमशानों में पहुंच जाती है। तो क्या होता है, अपने लड़के की अर्थी के साथ चिता में बैठ जाती है, कवि ने क्या कल्पना की है और क्या हुआ। कुदरत क्या कानून तेरी सरकार के, पाप के पर्दे फेंसे हुए संसार के।
पाप के पर्दे फेसे हुए संसार के, कुदरत को दोष देने लगी और कहने लगी, तेरी कलम से लिखा कर्म है कुदरत आज फूटे लिया, बेटा मर गया आज अंधेरा हो चारों ही खूट लिया, दुनिया में दौलत लुटती मेरा दिल का टुकड़ा लूट लिया, मैंने भी बेटे संग जीवन जहर समझ के घूट लिया, रूठ लिया सुत ममता मेर विसार के, पाप के पर्दे फेसे हुए संसार के, ममता ले हिलो रे, कर्म के कागज लिखने वाले क्यों ना छोड़े कोरे, माल के कारण मेरे लाल पे काल के बादल गोरे, मेरा फैसला होवेगा उस दर में राज के धोरे, सुख से सूरे दुश्मन पैर पसार के, पाप के पर्दे फेसे हुए संसार के, लोग चले सब गम के खाते गोते, गलियारे खामोश हुए पेड़ों पे पक्षी रोते, अरे कलयुग के कमाल देख के कहते मैं ना तोते, लख चौरासी योनी में नर सबसे पापी होते, सोते काटे मन में पाप धार के, पाप के पर्दे फेसे हुए संसार के, तो आखिर में क्या हुआ, हो जा सत्यानाश तुम्हारा बेटे के हत्यारे, डाका पड़ जा थारे काल का लुट जा लाल तुम्हारे, गुरु तेज पाल के टूट गए जीवन के आसरे सारे, माँ और बेटा लेट चिता में दोनों सुरग सिधारे, अरे प्यारे बनके नहीं पता दे मार के, पाप के पर्दे फेसे हुए संसार के, हाँ
कुदरत क्या कानून है तेरी सरकार के, पाप के पर्दे फेसे हुए संसार के। हाँ जी प्रेमियों, यह कहानी तो यहीं समाप्त होती है।